क्या एक इंसान अपने दम पर सदी का महानायक बन सकता है? ये सवाल उठता है जब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। बुलंद आवाज, असरदार पर्सनालिटी और एक्टिंग की ऐसी काबिलियत कि हर किरदार को जिंदा कर दें। लेकिन ये सफर सिर्फ कामयाबी का नहीं है, इसमें संघर्ष की वो दास्तान भी है जिसने उन्हें नायक से महानायक बना दिया। अमिताभ का जीवन ना सिर्फ उनके किरदारों में बल्कि निजी रिश्तों में भी चर्चाओं में रहा है। रेखा के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत आज भी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी प्रेम कहानी मानी जाती है। क्या था इस रिश्ते में जो रेखा ने आज भी इसे जिंदा बनाए रखा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की इस अनसुनी कहानी को, जिसमें है सफलता, संघर्ष और एक अधूरा प्यार। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे और माँ तेजी बच्चन एक सोशल वर्कर थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से प्राप्त की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर शुरू से आसान नहीं था। साल 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से शुरुआत करने के बाद भी उन्हें लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके कद और गंभीर आवाज के कारण कई फिल्म निर्माताओं ने उन्हें नकार दिया, लेकिन साल 1973 में आई फिल्म जंजीर ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में एंग्री यंग मैन के किरदार ने उन्हें सुपरहिट बना दिया और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवार, शोले, डॉन जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे के रूप में दर्जा दिलाया। हालांकि फिल्मों में सफलता के साथ ही अमिताभ के पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय बनने लगी थी। इसके बाद साल 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान उनकी और रेखा की मुलाकात हुई। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रेखा, जो पहले से ही अपने हुनर और खूबसूरती के कारण सुर्खियों में थी, उसके बाद अमिताभ के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गई। मीडिया में उनके अफेयर की खबरें फैलने लगी, लेकिन अमिताभ ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर रेखा ने अपने कई इंटरव्यू में अमिताभ के प्रति अपने प्यार को खुलकर जाहिर किया। उनका कहना था कि उन्होंने अमिताभ जैसा इंसान कभी नहीं पाया। जिसके बाद साल 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस प्रेम कहानी की चर्चा को और तेज कर दिया। कहा जाता है कि जब किसी को स्टार ने रेखा का अपमान किया तो अमिताभ ने उसको जमकर फटकार लगाई थी। ये घटना मीडिया की नजरों से बच नहीं पाई और यहीं से दोनों के सीक्रेट अफेयर की खबरें भी और बढ़ने लगीं। इसी बीच अमिताभ की पत्नी जया भादुरी को भी इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जया ने उन्हें अपने घर डिनर के लिए बुलाया। डिनर के दौरान जया ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और ना ही रेखा से कोई शिकायत की, लेकिन डिनर के अंत में जया ने बस इतना कहा कि अमिताभ कभी तुम्हारे नहीं होंगे। जया के इस सेंटेंस ने रेखा को अंदर तक झकझोर दिया और यहीं से ये प्रेम कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगी। हालांकि रेखा और अमिताभ की मोहब्बत पर्दे पर खूब दिखी। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, सिलसिला जैसी कई फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। खासकर सिलसिला फिल्म में उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने उनकी असल जिंदगी के प्यार से ही कंपेयर करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म में अमिताभ, जया और रेखा तीनों ने काम किया और इसे देखने के बाद ऑडियंस को लगा कि मानो उन्होंने इनके पर्सनल रिश्ते को पर्दे पर साकार होते देखा हो। साल 1990 के दशक में अमिताभ के करियर में गिरावट आने लगी। फिल्मों की असफलता और बिजनेस में नुकसान ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया, लेकिन साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति के साथ उन्होंने
टेलीविजन पर जबरदस्त वापसी की। इस शो ने न केवल उनके करियर को नई ऊंचाई दी बल्कि उन्हें एक नई पीढ़ी का पसंदीदा सितारा भी बना दिया। उनकी आवाज और मेजबानी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और शो ने टेलीविजन के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। अमिताभ को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले। उन्हें साल 1984 में पद्मश्री, साल 2001 में पद्म भूषण और साल 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वो 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 16 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। उनके योगदान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सराहा गया। अपने पर्सनल लाइफ में अमिताभ ने हमेशा परिवार को प्रायोरिटी दी। इसके बाद साल 1973 में उन्होंने जया भादुरी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। अभिषेक ने भी फिल्मों में करियर बनाया जबकि श्वेता ने लेखन और फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों और टेलीविजन में एक्टिव हैं। पिंक, बदला और गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में उन्होंने ये साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैन से जुड़े रहते हैं। अमिताभ बच्चन की कहानी केवल सफलता और संघर्ष की नहीं बल्कि प्यार, त्याग और कठिन रिश्तों की भी है। रेखा के साथ उनका अधूरा प्रेम और जया भादुड़ी का संयमित व्यवहार इस बात का उदाहरण है कि जिंदगी में रिश्तों को संभालना कभी आसान नहीं होता। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी जिंदगी हमें ये संदेश देती है कि सफलता और असफलता का खेल चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। धन्यवाद।